चीन के खिलाफ हमेशा से मुखर रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों ने अब की बार चीन के लोगों को ही उनके शासनाधिकारियों से आगाह करने की नसीहत दी है। दरअसल संदिग्ध हालातों में चीन समेत दुनिया भर की मशहूर हस्ती और अलीबाबा कंपनी के मालिक जेकमा के लापता होने से अब चीन के शासन प्रणाली पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। निर्वासित तिब्बतियन और उनकी सरकार द्वारा चीन को एक बार फिर से नीचा दिखाने और कोसने का वक्त मिल गया है। निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर यसी फुनत्सोक ने बताया कि ये कोई चीन ने पहली मर्तबा नहीं किया जिसकी दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, बल्कि वो इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। तिब्बत तो इसका सबसे बड़ा भुगत भोगी है, मगर अब की बार उन्होंने अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया है जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चीन के शासनाध्यक्षों के खिलाफ करने वालों और उनके खिलाफ बोलने वालों का चीन में इसी तरह से हश्र होता है, इसलिए चीन के लोगों को ऐसी शासन प्रणाली से अब आगाह होना चाहिए और उन्हें सबक सीखना चाहिए कि ऐसे लोगों के हाथों वो महफूज नहीं है। भले ही वो चीन में किसी भी प्रकार का रसूख रखते हो, काबिले गौर है कि जेकमा चीन की कंपनी अलीबाबा के मालिक हैं और उनकी ओर से बीते साल चीन की सरकार के खिलाफ बेहद ही साधारण सी टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि जेकमा उस टिप्पणी के बाद से ही लापता हो गए और दुनिया भर में उनके 1 लाख के करीब कर्मचारियों ने अब उन्हें खोजना शुरू कर दिया है और चीन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। चीन सरकार का तो अपना जब शासन के जो मानते नहीं है उनको तो हमेशा गिरफ्तार करना और उनको जेल में डालना और उनको सजा करना, तो ये इनका एक अपना राजनीतिक है कि पूरा एक खिलाफ तो कभी नहीं बोल सकता है। तो ये एक हमारे लिए कोई नई बातें नहीं है, क्योंकि चीन सरकार ने पिछले 61 वर्ष में इसी तरह तिब्बती लोगों के लिए तो अपनाते आया है। तो आप तो उनके अपने ही जो सरकार में है या उनके सहयोगी है, अगर उनके खिलाफ में बोलेंगे तो वही परिस्थिति भोग रहा है। अब चीन के शासन की असली जो नीति जो है वो चीन के समाज और चीन के जो उनकी शासन में है उन लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए और ये इन लोगों के लिए, आम चीन की जनता के लिए भी एक सबक है ये।